और डरावना भी था थोड़ा। और हेरा फेरी 3 का जैसे इन्होंने जिक्र किया, काफी लोग एक्साइटेड है, जिस तरह रिलीज डेट पता चला, अनाउंसमेंट हुई उसमें एक्साइटेड था, और आपका नाम आया तो और भी ज्यादा फैंस इतने सारा एक्साइटेडमेंट है। हाउ डू यू सी हेरा फेरी 3? नो, इट्स अ ग्रेट फ्रेंचाइज एंड आई एम सो हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। फिरोज और मेरा रिश्ता भी बहुत पुराना है एंड इट्स ग्रेट टू बी टुगेदर विद अक्षय एंड with Sunil Anna and me and Paresh. बाबा इतने साल हो गए इंडस्ट्री में, कभी ना अपने प्रोडक्शन हाउस के लिए सोचा या फिर आपने डायरेक्शन करने के लिए कुछ मतलब रिटन एनीथिंग कुछ शायद प्लान्स हो गए? नहीं, प्लान्स है। प्रोडक्शन में हम लोग काफी चीजें कर रहे हैं जो अभी आपको अगले साल तक नजर आना शुरू होंगी। और डायरेक्ट डायरेक्शन अभी देखते हैं यार, उसके लिए क्या है ना, एक दो साल फ्री रखना पड़ेगा। लेकिन जरूर मैं करूंगा। सर, जिस तरह पठान को सक्सेस मिला है, एक अलग ही चल रहा था दौर, और जिसपे पठान आई, शाहरुख सर की इतनी बड़ी मूवी और लोगों को इतनी पसंद आई, कितना इम्पोर्टेंट था पठान जैसी सक्सेस आना? बिकॉज ओटीटी के जमाने में पीपल वर लविंग ओटीटी। नाउ आई एम वेरी हैप्पी कि पठान इज सच अ बिग सक्सेस एंड यू नो शाहरुख यू नो ही गेव सच अ बिग हिट After so many years of not, you know, उसने काम ही नहीं किया था एंड इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि अपनी इंडस्ट्री यू नो फले एंड नॉट ओनली पठान, आई फील ऑल द मूवी शुड डू वेल, एवरी मूवी फॉर एवरी एक्टर शुड डू वेल फॉर द इंडस्ट्री। यू बिकम वेरी क्वाइट पॉपुलर इन साउथ ऑल्सो, लाइक यू नो अभी ऐसे तो एक वो बॉर्डर रहा नहीं इनफैक्ट लाइक स्टेट्स का, क्या कहना चाहोगे?